जय हिंद दोस्तों। जैसे आपको पता होगा कि अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर पीएम मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया है। यानी इस पुरस्कार का नाम अब क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो सबसे पहले जान लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 1991-92 में। यह खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी राशि पहले कितनी थी, तो 7.5 लाख यानी 7,50,000, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है, तो वर्तमान में हो गई है 25 लाख। कितनी राशि दी जाएगी, तो 25 लाख राशि अब दी जाएगी। बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, तो विश्वनाथन आनंद को। किसे दिया गया, विश्वनाथन आनंद को। तो अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यानी 29 अगस्त को भारत में मनाया जाता है खेल दिवस। इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, भारत में खेल दिवस। इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो इनकी शिक्षा बहुत कम रही है, 5वीं तक इनकी शिक्षा रही है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि एक खेल में 400 बार गोल किए हैं, तो 400 गोल बहुत मायने रखता है, इसलिए इनको बोला जाता है हॉकी का जादूगर। एक बार ऐसा हुआ कि इनकी जो टीम थी इतने गोल कर दिए कि उसने क्या कर दिए, उनके ऊपर क्लेम कर दिए। तो वहाँ पर इनकी जो हॉकी थी तोड़ कर देखी गई कि कहीं इनकी हॉकी में मैग्नेटिव तो नहीं लगा था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। उनकी जो हॉकी थी बिल्कुल सुरक्षित थी, कहीं मैग्नेटिव का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए उनको बोला जाता है हॉकी का जादूगर। यहाँ तक कि जर्मनी के जो हिटलर थे वो मेजर ध्यानचंद को बोले थे कि आप हमारे देश से खेलिए, मैं आपको कर्नल बना दूंगा, लेकिन वो अपने देश के लिए ही खेले, भारत के लिए ही खेले सिर्फ। इनकी हाइट की बात करते हैं, तो इनकी हाइट बहुत कम थी, इनकी हाइट जो थी 5.2 इंच के ही थे, बहुत कद में छोटे थे, लेकिन खेल के प्रति बहुत उत्कृष्ट थे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।